अच्छा ये ठीक लग रहे हैं, लाइए अपने डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल दिखाइए। लीजिए मैडम, रख लीजिए। नहीं नहीं मैं ये रख थोड़ी सकती हूँ, बस दिखा दीजिए। और ध्यान रखिए कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी भी किसी को भी रखने के लिए नहीं दिया जाता है। जी मैडम। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आपके बारे में ना कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं, खास तौर पे कि आपको ये लोन क्यों चाहिए और कितनी किश्त महीने में आप आसानी से दे सकती हैं। मैं शुरू करती हूँ। मेरे पति स्कूल में टीचर है, लेकिन आजकल एक आदमी की कमाई से काम कहाँ चलता है, इसलिए मैं घर से ही अचार पापड़ मिठाई का काम शुरू करना चाहती हूँ। मुझे गैस, बड़े बर्तन, सामग्री, पैकिंग मशीन आदि की जरूरत पड़ेगी और इसलिए मैं लोन लेना चाहती हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है और इस सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए कंपनी आपकी पूरी सहायता करेगी। मेरी वजह भी कुछ ऐसी ही है मैडम, अंतर बस ये है कि मेरे पति की एक चाय की दुकान है जिससे छोटी मोटी कमाई हो जाती है। हाईवे के पास होने की वजह से काफी ग्राहक आते हैं, इसलिए हम सोच रहे थे कि अगर हमारी टपरी को बड़ा करके ढाबा बना दे तो लोग चाय के साथ साथ नाश्ता खाना भी खा सकेंगे और हमारी कमाई भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही सोचा आपने, आजकल खाने पीने का बिजनेस काफी चल रहा है। और आप माला जी? कौन, मैं? हाँ हाँ मैं भी बिजनेस करूंगी, क्या मैं आखिरी में बोलूं? अरे अरे हड़बड़ाइए मत, दीका जी के बाद आपसे ही पूछूंगी। सलमा मैडम, मैं तो घर से ही पुराने सिलाई मशीन से सिलाई कढ़ाई का काम करती हूँ, लेकिन मेरे पति जो कि पास वाली फैक्ट्री में काम करते हैं, कह रहे थे कि फैक्ट्री और स्कूल में यूनिफॉर्म की काफी मांग है पर कोई आसपास बनाने वाला नहीं है। अगर आपकी कंपनी मुझे लोन दे दे तो मैं उन पैसों से 2-4 आधुनिक मशीनें खरीद के घर पे ही एक छोटी सी सिलाई की दुकान खोलूंगी। मुझे लगता है कि ये काम काफी अच्छा चलेगा, मुझे विश्वास है। बहुत बढ़िया, मतलब आप सभी के पास काफी सोचे हुए प्लान है। आपका क्या प्लान है माला जी? वो मैं सलमा मैडम, दरअसल मेरा प्लान एक मोबाइल खरीदना, नहीं नहीं मैं तो मोबाइल की दुकान खोलना चाहती हूँ या फिर अचार पापड़ की, दोनों में से कोई भी बिजनेस कर सकती हूँ। अरे मतलब आपने अभी तक तय नहीं किया है? सोचना क्या है मैडम, लोन मिलते ही कुछ न कुछ बिजनेस शुरू कर लूंगी। नहीं माला जी, लोन का क्या इस्तेमाल करना है इसके बारे में स्पष्टता होनी जरूरी है। अगर आपने सोच समझ के लोन नहीं लिया तो आपके लिए बोझ बन सकता है, इससे आपके समूह के बाकी सदस्यों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देखिए क्योंकि अभी आपके पास कोई वाजिब प्लान नहीं है इसलिए हम अभी आपको लोन नहीं दे पाएंगे। आगे अगर कोई सही प्लान आपके दिमाग में आए तो आप हमसे वापस संपर्क कर सकती हैं। ठीक है सलमा मैडम, मैं समझ सकती हूँ। शुक्रिया माला जी। और इना मीना डीका जी, आप तीनों का समूह बनाकर हम लोन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। परसों मैं और मेरे सहयोगी आपके घर भी आना चाहेंगे कुछ और जानकारी लेने के लिए। जी जरूर आएंगे। और हाँ मैं तो भूल ही गई थी, आप सबके बैंक अकाउंट तो है ना, आपका लोन का पैसा उसी में आएगा। मेरा नहीं है, आप मेरी दीदी के अकाउंट में डलवा दीजिएगा। ऐसे किसी और के अकाउंट में पैसे थोड़ी ही डलवा सकते हैं, यही मार्केट में तो बैंक की ब्रांच है, आप वहाँ खाता खुलवा लीजिए और उसकी सारी डिटेल मुझे दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है। बधाई हो, आप तीनों का लोन पास हो गया है, पैसे 2-4 दिनों में आपके बैंक खाते में आ जाएंगे। शुक्रिया। अच्छा अब लोन से संबंधित कुछ जरूरी बातें, इन्हें आप तीनों ध्यान से सुनिएगा और यदि कुछ ना समझ आए तो बेहिचक पूछिएगा। सबसे पहली और जरूरी बात ये है कि ये रहे आपके लोन संबंधी कागज, इसे हमेशा संभाल कर रखिएगा। लोन के एग्रीमेंट की कॉपी, लोन कार्ड, इसमें लोन की चुकाई गई किश्तों का ब्योरा लिखा जाएगा, हमारी फाइनेंस कंपनी का ग्रेवेंस रिड्रेसल नंबर यानी ग्राहक सेवा एवं समस्या निवारण फोन नंबर, इंश्योरेंस कवरेज डिटेल्स यानी लोन से जुड़े बीमा प्लान के कागज, ये लीजिए आप अपनी कॉपियाँ, इन्हें संभाल के रखिएगा। जी बिल्कुल। दूसरी बात, ये कुछ नियम शर्तें और जरूरी निर्देश हैं, इन्हें विस्तार में पढ़ लीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि लोन की किस्त के नियमित भुगतान के बारे में, आपकी जिम्मेदारियां और नियम क्या हैं, किस्त आपको लोन कार्ड पे लिखी हुई राशि और समय के अनुसार ही चुकाना होगा और ध्यान रखिए किस्त हमेशा कंपनी के अधिकारी को ही दें,
और चुकाई हुई किस्त की रसीद लेना ना भूलें। अगर कभी आप में से किसी को किस्त भरने में दिक्कत आ रही हो तो आप एक दूसरे की मदद लेकर किस्त भर सकते हैं। एक और जरूरी चीज बता दूं, हर लोन की सारी जानकारी क्रेडिट ब्यूरो में भेजी जाती है। कोई भी कंपनी लोन देने से पहले इस रिकॉर्ड को चेक कर ही लोन देती है, इसीलिए आपका समय पर किस्त भरना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा और आपको लोन मिलने में दिक्कत आएगी। हो सकता है कि आपको लोन से संबंधित कभी कोई परेशानी हो जाए, जैसे कि लोन कार्ड अपडेट ना किया गया हो, कंपनी का कोई कर्मचारी आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहे, कोई कमीशन या पेनल्टी मांगी जाए, या फिर और कोई भी सवाल हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं। इसकी जानकारी आपके लोन कार्ड पर उपलब्ध है। ठीक है मैडम। तो अब ईना, मीना और डीका लोन लेके अपने अपने काम में जुट जाती हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये तीनों लोन के पैसे का सही इस्तेमाल करके अपने अपने बिजनेस को सफल बना पाती हैं या नहीं।